तरफ से 2000 की बेट। बलराज भी आज तेरी छोटी हाइट पे ना 5 पंच मारेंगे। कि तुझसे बड़ी तो चप्पल होती है। अर्चना जी तुझसे बड़े नाखून काट लेती है। तुझसे बड़े अरे बस कर यार, सब तू ही बोल देगी तो वो क्या बोलेंगे। और ये देख 20,000 की शर्त लगाता हूँ कि आज वो 20 मिनट का स्टैंड अप करेंगे। नहीं नहीं 30 मिनट। मेरी तरफ से 20,000। देखना पारितोष 8-9 सटायर मार के एंड में इमोशनल लाइन जरूर बोलेगा। मेरे तरफ से 150 की बेट। इतना कम? अरे वो खुद दिखता 200 का है। देखना आएगा और मेरे इस तिल के ऊपर 8-10 पंच मारेगा। खुद के घर में की होल से घुसने वाले आदमी, बंद अलमारी से कपड़े निकालने वाले आदमी, दो तालियों के बीच में से निकल जाने वाले आदमी। सुना क्या बोल रही है यार, कम लाइन बहन बहन। वो क्या है ना, मैं जानती हूँ कि अब गौरव आके यही घटिया पंच मारेगा तुम्हारे पतले पन पे। लगी 5,000 की बैट। मेरी तरफ से 50,000 की बैट कि तुम ही इस एक्ट को संभालोगे। मेरी तरफ से 60,000 की बैट कि तुम ही आज स्टैंडिंग ओवेशन दिलाओगे और तुम इस शो की स्टार हो। और तुम एक्ट में ना रहो तो सोहेल बैठे बैठे सो जाता है। इधर आओ भाई साहब, अंडे के अंडे इधर आओ। 108 जाने के 108 ये क्या? जब पीठ पे डंडे पड़ेंगे ना एम्बुलेंस बुलाने के काम यही नंबर आएगा। अर्चना जी पीठ पीछे बुराई होती है हमने सुना था, वो छाती पे चढ़ के कर रहे हैं, तुम लोग को शर्म नहीं आती? और एक बात बता, तेरे को हाइट से इतनी प्रॉब्लम है तो हाइट बढ़ा क्यों नहीं लेता? मैंने कभी बोला कि आप कामयाब हो जाओ? एक मिनट, बच्चे मन के सच्चे होते हैं ये तो इस टीम ने बता दिया है। पर ये दो लड़कियां, सोहेल भाई दो लड़कियां लाइफ में अच्छी लगती हैं, एक्ट में बिल्कुल नहीं। ए, और तुम लोग हाँ, ये क्या कर रहा है भाई? तुम लोग कॉमेडी का कत्ल कर सकते हो, मैं क्यों नहीं कर सकता? हाँ भाई सिद्धार्थ, मैं क्या बोलता हूँ, इन लोगों को लड़ने दो आपस में, हम नहीं लड़ेंगे। कॉमेडी सर्कस में एक ही तो जोड़ी है जो अच्छी है, अब वो भी आपस में लड़ेगी तो उनका क्या होगा? नहीं लड़ेंगे भाई, हम ही नहीं लड़ेंगे, सब एक तरफ, हम एक तरफ भाई। हाँ, हम नहीं, चलो शो ओपन करते हैं, शो ओपन करते हैं, शो मिलके ओपन करते हैं। चलो, यस। हेलो एंड वेलकम टू कॉमेडी सर्कस, शो चालू किया जाए। फिल भाई आपको पता है रणवीर दीपिका की शादी होने वाली जी, आपको इनविटेशन मिला कि नहीं? सच बताओ, सच बताओ, आपसे पूछ रहा हूं, उनको तो पहुंच गया। नहीं मिला? क्या फायदा अर्चना जी, इतनी फिल्में की आपने, इतने पैसे कमाए, आपको इनविटेशन नहीं मिला? वैसे ना ये दोनों भी अजीब हैं जो शादी कर रहे हैं, उन्होंने भी इतनी फिल्में करी, इतने ऐड किए, इतने पैसे कमाए, शादी का वेन्यू पता क्या है? कॉमेडी सर्कस का सेट। सच बता रहा हूँ, नहीं यकीन, अपनी आंखों से देख लो। प्लीज वेलकम सिद्धार्थ, करिश्मा एंड मुबीन। हाफ क्यों नहीं रहा? रणवीर हूं, पूरी दुनिया को पावर मैं देता हूं। आनी, पानी दो। नहीं मुझे नहीं, बाहर घोड़ों को तो भागा नहीं जा रहा, पीठ उठा के लाया उनको मैं। अर्चना जी इतनी एनर्जी है ना मेरे अंदर, से बाजू से ट्रेन निकल रही थी, कहती मेरे पीछे 12 डब्बे नहीं होती ना, हराती तुझको मैं। मैं सुबह से वॉक पे निकलता हूँ ना, 4 पुलिस वाले मेरे पीछे लग जाते, कहते घाघरा पहन के भाग रहा है, जरूर किसी का पति सही टाइम पे घर आ गया। हाँ। मेरी शादी है, जोरदार तालियां। आज मेरी शादी पर डेकोरेटर भी मैंने वो बुलाया जिसने मेरी फिल्मों को डेकोरेट किया है, जोरदार तालियां पंचाली साहब के लिए। सोहेल भाई अर्चना जी, मैं हूँ संजय। ए मामू वाला संजय नहीं, वाला संजय नहीं, पंचाली वाला संजय। पंचाली साहब, पंचाली पाए लागू। पंचाली लीजिए मेरी शादी मिठाई खाई। नहीं थू थू, बहुत गंदी, बहुत गंदी, बहुत गंदी है। अरे खाई नहीं, गंदी कहाँ से हो गई? अरे जिस चीज में झालर नहीं पड़ते नहीं, वो चीज गंदी होती है।
लाइट होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। पता है लाइट का सोर्स दुनिया में सिर्फ दो ही चीज है, एक सूरज दूसरा भंसाली। लड्डुओं में झालर लगा सर, मेरी शादी है सर। एक तो इस आदमी में इतनी एनर्जी, क्या करूं, एक क्षण इसको शांत करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, शांत 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 शांत। मूंग थाल चाली का, मूंग थाल ढाई का, काम टाइम ढाई लाल का, ठेर का, शांति शांति शांति। हाँ होगा, शांत हुआ। अरे एक तो इतनी एनर्जी, क्या करूं, एक क्षण मोबाइल चार्ज कर लेता हूँ। हाँ अरे ये देखो, नॉर्मली फोन चार्ज करो तीन डंडी आती है, इससे देखो पांच डंडी आ गई। पंचाली साहब मेरी शादी करा तो बहुत उतावला बैठा। इतनी जल्दी काहे की शादी की, आराम से करो, आराम से करो, टाइम लो टाइम। टाइम की जरूरत नहीं सर, गांव की किसी भी लड़की से पूछो कि रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। अच्छा अच्छा एक मिनट, अरे चंपा वो लड़के की रिपोर्ट आने वाली थी, क्या हुआ, फेल हो गया? झूठ बोलता है, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी, फेल हो गया लड़का। अरे बंसाली साहब कैसी बात कर रहे हो, मेरी शादी की बहुत टेंशन है मुझे। अरे टेंशन नहीं लेना, मैं ले रहा हूँ क्या टेंशन, मैं करवाऊंगा शादी, बहुत कमाल का सेट लगाऊंगा, 500 हेलोजन जलाऊंगा। 500 हेलोजन? हाँ 10 हेलोजन तो सिर्फ पंडित जी पे मारूंगा। अच्छा। मंसाली साहब हवन कुंड जलाना पंडित नहीं। लोकेशन बताइए, लोकेशन। एक काम करेंगे, पहाड़ी इलाके में शादी करते हैं। वाह, तो मुंबई फाइनल, वही करेंगे शादी। तो फिर मुंबई फाइनल। मुंबई में पहाड़ कहाँ पे है? अरे नहीं तो क्या, वो सेट लगा दूंगा मैं, हर जगह सेट लगा देता हूँ मैं तो। पता, मेरे भाई को गैस हो गई, मैंने हॉस्पिटल का सेटअप लगा दिया। हमारे बंसाली साहब मेरी शादी में बताइए क्या अरेंजमेंट किया है आपने? तुम्हारी शादी जंगल में करवाएंगे। जंगल में करवाएंगे, 20 हाथी, 30 घोड़े, 40 ऊंट आएंगे, और तो और टाइटल होगा मोगली की शादी। बास की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, पता ही होगा आपको। हाँ पता है, पता है तो तलवार घुसेड़ू में बैठ। एक मिनट एक मिनट, तलवार से डर नहीं लगता साहब, थप्पड़ से लगता है। अरे यार खाली पीली बकवास करने में लगे। एक मिनट, कट कट, खाली पीली नहीं, खाली बली। दोबारा लो, 1 2 3 4 खाली बली, खाली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खाली बली, खाली बली हो। एक मिनट, थकान हो गई। आप सबको दीपिका त्रिगोन की तरफ से बहुत बहुत नमस्ते। सुन, शादी के लिए तैयार है? अबे ये कैसी हाँ है बे? देखो मैं तुम्हें रामलीला के स्टाइल में बताती हूँ। उबल गया है अंडा, उबल गया है अंडा, अभी नहीं छीला है, बता दे बंसाली राम की लीला है। यूपी है स्टेट, गोंडा जिला है, मान लिया मैंने, ये तू इसकी ही लीला है। फटा है कच्चा, मैंने नहीं सिला है, बताए मुझे लीला है, बात क्या कर रहे हो? अबे सुनो, मुझे मेरे अंदर ना खली बली मची है, शादी कराओ शादी। ओह माय गॉड, इतनी एनर्जी, इसकी इतनी एनर्जी, मुझे तो हनीमून की टेंशन हो रही है। अरे हनीमून की टेंशन क्यों ले रही हो? मैं ले रहा हूँ हनीमून की टेंशन। मतलब सारा सेटअप मुझे करना है, मैं ले रहा हूँ टेंशन, बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, मैं एनर्जी कम करता हूँ। एक थोड़ी मसाज से। खली पली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली पली हो गया है दिल। अबे लड़की से ज्यादा इतिहास छेड़ने वाले आदमी, देखो हम लोगों का बकवास हो गया तो हम गेस्ट लिस्ट तैयार करते हैं। सलमान खान को बुलाया है? नहीं, देखिए अगर उनको बुलाएंगे तो फिर उनकी डेट के हिसाब से शादी की डेट निकालनी पड़ेगी। उनको मत बुलाओ, मैं खुद सलमान बन जाऊंगा। मैं शाहरुख भी खुद बनूंगा, 1 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी के हिसाब से मैं कर लूंगा। फिर एक काम कर, सीपी का भी तू ही बन जा, ये जो ना शादी में नाराज बुआ होती उसका रोल कर लेगी। जब देखो जब, अरे क्या है? देखो मैं शादी के लिए ना घाघरा लाई हूँ, कैसा? वाह, ये तो मैं पहन लूंगा। Yes. अच्छा ये देखो ब्लाउज, ये टाइट होगा लेकिन मैं पहन लूंगा। इसीलिए मैं कह रहा था सीपी का भी तू ही बन जा। अरे कम से कम ड्रेसिंग सेंस नहीं, कॉमन सेंस तो होना चाहिए। ये घाघरे पर कोट कौन पहनता है? अच्छा मैं पहनता हूँ। देखो तुम लोगों का बकवास हो गया तो हम गेस्ट लिस्ट तैयार करते हैं। सुनो विन डीजल को जरूर बुलाएंगे। एक काम करेंगे, उनकी जगह राकेश लोचन जी को बुला लेंगे, उनको मस्त ओट खिला के जिम करवाएंगे, एकदम विन डीजल लगेंगे, एवरेज भी ज्यादा देंगे। विन डीजल से याद आया, अर्चना जी आएंगे? अभी फोन करके पूछ लेते हैं। हेलो अर्चना जी, अपने 14 तारीख को
पावर बैंक और सिपिका की शादी है, आप फ्री हैं? अच्छा फ्री हैं, सॉरी हम फ्री लोगों को नहीं बुलाते। सोहेल सोहेल। हेलो सोहेल भाई, वो 14 तारीख को पावर बैंक और सिपिका की शादी है, आप फ्री हैं? अच्छा बिजी हैं, सॉरी हम झूठे लोगों को भी नहीं बुलाते। अब तो डिसाइड हो गया किसको नहीं बुलाना है। हाँ। हलवाई डिसाइड करते हैं, हलवाई ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल दिखने वाला, बिल्कुल हलवाई। हाँ। लगे। सर आप करो ये रोल। मैं बता। वैसे भी आपको पर्दा लड्डू। हाँ। अब हमारी शादी में ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए, बिल्कुल अलग सा। बिल्कुल अलग। सोचिए। हाँ। सोचिए सोचिए, एक काम करेंगे तुम्हारी शादी में 7 फेरे लेंगे। 7 फेरे बस, 80 फेरे लो एनर्जी। हनीमून छोड़ो, मुझे तो फेरे सुन के चक्कर आ रहे हैं। अरे तुम्हें को चक्कर आ रहे, मुझे चक्कर आ रहे क्या? मेरा मतलब है एक मिनट बाकी है, फटाफट मुहूर्त निकला जा रहा, फटाफट शादी करो, एक मिनट बाकी है। ए पकड़ सिंदूर पकड़, भर मेरी मांग। क्या? मेरी मांग भर। मैं तू मेरी मांग भरेगा ना? ये घाघरा पहन के कैसा कंफ्यूजन रहता। पंडित कहाँ है? मुझे मंत्र पढ़ने पड़ेंगे। खली बली हो गया है दिल, ओ स्वाहा, ओ खली बली हो गया है। सर 7 फेरे ले, 7 फेरे ले, बताओ 7 फेरे ले लो जल्दी। इससे ना भागा जा। अच्छा अच्छा, बैंड वाले कहाँ हैं? बैंड नहीं बुला। पप 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 पप। दूल्हा नहीं नाचा, खली बली हो गया दिल। एक मिनट, मुबारकबाद किसी ने दी? सलमान भाई से तो मिल लूं। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सलमान भाई, थैंक यू थैंक यू। शाहरुख भाई, ये अच्छा किया तुमने। हाँ शादी, थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे भैया कसम यशोदा मैया, तुमने बुलाया, चाली तेरे को बुलाया किसने? मेरे भाई मुबारक हो, शादी हो गई। भाई शादी कब की हो गई? यहाँ भी सो रहे थे। गेस्ट लिस्ट पूरी हो गई। हनीमून के लिए चले। सॉरी बेबी, सारी एनर्जी मैंने गलत जगह लगा दी मेरे से। देखा, इसीलिए मुझे हनीमून की टेंशन हो रही थी। आप ही बताइए, मैं से शादी करूं या नहीं? सिद्धार्थ फॉर यू। दस मिनट के लिए आपने इस मंच पर इतनी एनर्जी डाली है। और इस एक्ट से पहले मैं बात कर रही थी, मेरा बेटा आया था मिलने, एंड ही सेड आई एम सच अ बिग फैन ऑफ सिद्धार्थ कि मैं मिलना चाहता हूँ। और इसने फिर बोला था कि आज तो मुझे फिर डबल एनर्जी। डबल क्या, तुमने 100 गुना एनर्जी डालकर इस एक्ट को आप कहाँ से कहाँ ले गए सिद्धार्थ। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुबीन, करिश्मा एंड सिद्धार्थ, यू गाइस आर एब्सोल्युटली फैबुलस। इट्स अ वेरी डबल एज सोर्ड। और आप लोग ने तीनों कैरेक्टर्स को इतने स्वीटली, इतने सेंसिटिविटी के साथ, प्लस इतने ह्यूमर के साथ आप लोग ने निभाया है। हैट्स ऑफ। तुम्हें पता है आज मैं गोभी खा के आया हूँ क्योंकि मुझे बैंक में काम है। क्या बकवास बात है भाई ये? अरे ये कुछ नहीं, इससे बड़ी बकवास मैं बाहर सुन के आ रहा हूँ कि बलराज अमीर हो गया है। मसाले में चूल्हे डाल के खाने वाला आदमी अमीर हो गया है। ये भगवान, मैं बताऊँ कितना भी अमीर हो जाए, काम इसने अपने हिसाब का ढूंढा। पीए बना है, और पीए भी हमें ऐसे अमीर आदमी का बना है जो लंदन खरीदने निकले हैं ये लोग। तो आइए देखते हैं कि दिव्यांश और बलराज लंदन खरीद पाते हैं या नहीं। प्लीज वेलकम बलराज, दिव्यांश और अदिति। क्या सुबह से पापा घर नहीं आए? कोई बात नहीं, नया बाप खरीद लेंगे, इतने पैसे किस काम के हैं? इस उम्र में दूसरी शादी नहीं करोगी? मम्मी चाहे तीसरी कर लो, आपने कौन सा मोहब्बत करनी, बर्तन ही मंजवाने उनसे। ओके रखता हूँ। टुडे आई एम वेरी रिच। बड़ी मुश्किल से मेरे पास लक्ष्मी आई, आपको पता है। बड़ी मुश्किल से लक्ष्मी आई, मैंने बड़ा ढूंढा, मैंने कहा मेरे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही। ढूंढते ढूंढते पहुंचा मैं ऑप्टिक ऑफिस के बाहर, लक्ष्मी वहां खड़ी। मैंने कहा आप दिवाली पे मेरे घर नहीं है? कहती मेरा अपना चेक पेंडिंग पड़ा है इधर, मैं क्या करूं। आदमी को औकात से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सुहेल भाई मेरे को मिल गया, मैं क्या करूं। जब मैं गरीब होता था ना, रोज सुबह 6 बजे नींद खुल जानी मेरी, क्योंकि सूरज सीधा मेरी आंखों में पड़ता था। कल मैंने पैसे दे के साइड पे करवा दिया उसको। सूरज को कल पैसे दे के साइड पे करा दिया। मैंने कहा पंचोली साहब आप साइड पे हो जाओ, मार्केट में नया टैलेंट आ गया है। सुहेल भाई सोचो, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे बॉस के पास कितना पैसा होगा? मैं पिए हूं अभी,
अच्छा हाँ वो असली तो वो है वो छोटा वो मीट का लड्डू सोचो उसके पास कितना पैसा होगा हमारे घर में ना कछुआ है अर्चना जी उसने उसकी ट्रेनिंग पे इतने खरबों डॉलर खर्च कर दिए अभी वो कछुआ दो पैरों पे चलता है हिंदी बोलता है नहीं जी अभी आएगा देखना ये बता तेरी औकात से बड़ा तेरा स्टैंड अप खत्म हो गया अभी एक्ट पे ध्यान दे हम एक्ट पे ध्यान दे दो मालिक एक बात बताओ इतने पैसे दिए भगवान ने हमको पैदल क्यों आए गाड़ी पे क्यों नहीं आए अरे एक्चुअली मेरी सारी गाड़ी ना टू सीटर है तो ड्राइवर बैठा और मेरी वाइफ को लेके निकल लिया एक तो भगवान ने पैसे दे दिए अकल दी नहीं जहाँ पर गाड़ी में बैठना है वहाँ पर भागता रहता है जॉगिंग करने कार में चला जाता है तो मैंने कहा जॉगिंग करें पसीना आए तो फायदा होता है गाड़ी के शीशे बंद करके एसी ऑफ कर दिया कहता अब आएगा पसीना ये सब छोड़ ये बता फ्रांस से दूध मंगाया था आया कि नहीं मैंने कितनी बार कहा है फ्रांस से दूध मंगा के मत पिया करो इसीलिए आपका कद नहीं बढ़ रहा फिर भाई फ्रांस से दूध मंगाते हैं यहाँ तक आते आते फटके उसका पनीर बन जाता है उसके अंदर चॉकलेट पाउडर डाल के पीता रहता है लंबा कहाँ से होगा ये पैसा दे दिया भगवान ने सही जगह पे खर्च करो आपको पता है इसको इतनी आदत है ना पैसे उड़ाने की एक बार इसके पापा के गले में चिकन की हड्डी फंस गई वो पानी पानी चिल्ला रहे हैं ये फेक माई ट्रिप खोल के बैठा है पता है जर्मनी से लेके आते हैं पानी आने से पहले पापा निकल लिए पता है बाद में वही पानी लोटे में डाल के पापा के आसपास ऐसे ऐसे घूम रहा है भगवान ने बड़ा पैसा दिया इसका सही इस्तेमाल करते हैं शॉपिंग सीजन चल रहा है कुछ खरीदते हैं मालिक हाँ चलो इंडिया खरीद के आते हैं है? लंदन खरीदते हैं अबे लंदन नहीं इंडिया इंडिया खरीदेंगे लंदन खरीद लो 15 दिन में हमने उसको भी इंडिया ही बना देना है एक बार लंदन हमारे पास आ गया ना सुहेल भाई सच कहता हूँ प्रिंस चार्ल्स भी अपनी गाड़ी में नींबू मिर्च लटका के ना घूमे तो हमारा नाम बदल देना मुझे पता नहीं मुझे साउथ इंडिया खरीदना है मालिक साउथ इंडिया में बड़ी गर्मी टू मच हॉट मालिक साउथ इंडिया में इतनी गर्मी सी है आपको पता है मेंदू वड़े में छेद क्यों होता है ताकि हवा आती जाती रहे बहुत ज्यादा गर्मी साउथ इंडिया में अबे चुप रे यार फिर हम चेरा पूंजी खरीद लेंगे मालिक वहां पर आपसे बड़ी बारिश की बूंदे टपकती हैं आपको पता है चलो लंदन चले ये पहुंच गए लंदन शॉर्टेस्ट ट्रिप टू लंदन इतनी जल्दी लंदन आ गए मेरे को पता ही नहीं चला हाँ तेरा स्टैंड अप चल रहा था ना मालिक लंदन आ गए लेकिन रानी नहीं आई वो किधर है क्वीन विक्टोरिया से मिलने खुद बैक्टीरिया आया है महारानी की जय हो महारानी की जय हो ओ हेलो ओ वो मुगलों की रानी नहीं अंग्रेजों की रानी वो क्या इंग्लिश में बोल लेते हैं महारानी की जय हो महारानी की जय हो महारानी की जय हो लिसन आप कहां से आए हैं मैम वी आर फ्रॉम इंडिया इंडिया अच्छा लूट के भूल जाते हो सालों तुम लोग आप क्या लंदन में भी स्टैंड अप ही करने आए हैं अरे मैडम ऐसा नहीं है इसका कहीं भी स्टैंड अप निकल जाता है ही इज मल्टीपल स्टैंड अप डिसऑर्डर अरे पता है इसको एक बार डेंगू हो गया था डॉक्टर के पास गया डॉक्टर ने पूछा बीमारी क्या है इसने 1.5 घंटा बीमारी पे स्टैंड अप किया है लेकिन अर्चना जी आपको पता है उस डॉक्टर के बेचारा आयुर्वेदिक इलाज चल रहा है लिसन आप दोनों में क्या खुद में ही बातें करने वाले मैं भी कुछ बोलूं आपने हमें बोलने दिया 47 से पहले लिसन मेरी एक्ट में आने के बाद 3 ही लाइनें हुई है 3 लाइन आ गई जी मैडम 2 और लो थैंक यू वेरी मच प्लेजर मीटिंग यू निकलो यहाँ से अपनी बकवास का बंद ही करो बकवास अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो तुम गरीब लोग ये लंदन कैसे खरीदोगे ओ हाँ सॉरी सॉरी मैडम आप इधर आओ yeah. आप इधर से निकलो हमको नहीं खरीदना मैडम रुको रुको वी वॉन्ट टू बाय लंदन बाय लंदन अबे अपने को क्या अपने को मुंह पे पैसा मारना एक्सक्यूज मी लंदन ब्रिज के नटबोल से भी छोटे आदमी व्हाट आर यू डूइंग और तुम लंदन खरीदोगे इतने पैसे भी हैं तुम्हारे पास हाँ
मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा मालिक ने बोला। कितने पैसे हैं? पैसा तो इतना है हमारे पास, आप समझो जो बेटियां में बैलेंस चेक करने जाते हैं ना, 15-20 जीरो बाहर गिर रहे होते इस तरफ। सो मच मनी मैडम। ओके, तो आप एक काम कीजिए, आप लंदन तो मत खरीदिए, आप कोहिनूर हीरा खरीद लीजिए जाके, ठीक है? लंदन मुझे नहीं बेचना है। कोहिनूर हीरा? मैडम ये बंदूक ही समझो बस, आप अपने बेटे को फोन करके पूछो, रानी खरीदेगा 2 करोड़ में। दिस इज चीटिंग, तुम हमें बेच के हमसे ही पैसे लोगे? कोहिनूर हीरा तेरे बाप का है, वो भी तू हमसे लेके आई, हमें बेच रही यहाँ पे। बकवास कर रही, मुझे लंदन बेचना ही नहीं है, गेट आउट। ईगो पे बात आई है, मैं लंदन ही खरीदूंगा। इसपे साइन कर, इसपे पैसे दो, मुझे पैसे दो। पैसा बड़ा मैडम हमारे पास, पैसा बड़ा, मुंह पे मारेंगे। पैसा बड़ा मैडम। पर ये सब नकली नोट है मालिक, नकली नोट। मैं ये सोच रहा हूँ इन सबको यही पैसे मिले दिवाली बोनस में, इन लोगों का क्या होगा बेचारों का। अर्चना जी, आई एम रियली सॉरी, फिर से बस के पीछे लटक के मट जाना पड़ेगा आपको। सेल भाई, अब तो जाना भी नहीं है, घर कैसे जाओगे? वेरी नाइस एक्ट बलराज, एज यूजुअल यू ओन द स्टेज एंड क्वीन योर हाइनेस, एक्सीलेंट, यू हैव सच अ प्लेजेंट पॉजिटिव एनर्जी ऑन स्टेज, नाइस एक्ट, बट दिव्यान, थैंक यू मैम, थैंक यू। आज हम सब अपने औकात से ज्यादा हंसे, यू वर जस्ट आउटस्टैंडिंग यार। अदिति, यू वर बेटर इन योर परफॉर्मेंस देन योर लाइंस। राइटर्स, यू हैव टू गिव हर द क्रेडिट दैट आप लोग ने आज बहुत अच्छा एक्ट लिखा, बट शी एज एन आर्टिस्ट कन्वेड इट एंड एग्जीक्यूटेड मच बेटर देन द राइटिंग, यू आर एब्सोल्युटली फैबुलस, बोथ यू गाइस आर सुपर्ब, लेकिन या यू नो, एंड आपके लिए, आप इतने छोटे हो लेकिन ये आपके लिए, तुम जिंदगी में बहुत कामयाब हो, दिल से ये मैं कह रहा हूँ आपको। थैंक यू सर। पता है आज सुबह से ना गौरव चाय बना रहा है, कभी पोछा लगा रहा है, कभी झाड़ू लगा रहा है। अरे कॉमेडी उसका पार्ट टाइम काम है, मेन वो स्पॉट दादा ही है। सच बता रहा हूँ, और आज वो स्पॉट दादा बनकर ही स्टेज पर आ रहा है। वो पहला ऐसा स्पॉट है जो खुद को चाय देने से मना कर देता है, कहता है मैं सिर्फ स्टार्स को चाय दूंगा। तो फिर अभिलाष क्या बन के आ रहा है? वो कुछ भी बन के, उसका बनना कुछ नहीं। तो लेट ना करते हुए बुला लेते हैं इन तीनों को, प्लीज वेलकम गौरव, सना एंड अभिलाष। चाहे 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 कुछ भी हो जाए, मैं अपनी हक की बात करके जाऊंगा। हमारे साथ वालों को कॉमेडियन बना दिया। आप क्या हंस रही, आप भी हमारे में ही आती हैं। सुनील जी, पहचाना? यस सर, आपको याद है जब मैं पहली बार मुंबई आया था तो आपने मेरे सर पे हाथ रखा था खींच के बाहर, तब जाके मैंने पर्स वापस किया। वैसे आप लेडीज पर्स रखते क्यों हैं? ओ सॉरी, दो बात एक साथ हो गए, लेडीज और पर्स रखते क्यों हैं? वैसे आपको बता दूं, मैं बड़े बड़े एक्टर के पास बॉय था, सच्ची बता रहा हूँ। महेश जट जी ने मुझे देखते रख लिया काम पे, बोलते दांत अच्छा है खुजली करवाने काम आएगा। मैं शत्रु जी के यहाँ 3 साल था, मैं ग्लास भर के चाय देता था। ऐसा कर करके चाय को कटिंग बनाते थे वो। मैं अर्चना जी का बॉय रह चुका हूँ। ओह गॉड, ओह सॉरी, फ्रेंड बोलना भूल गया। फ्रेंड बॉय। अच्छा अच्छा, आपको क्या लगा बॉयफ्रेंड बोलूंगा? मैडम गरीब हूँ पागल थोड़ी। उसके बाद पता है मैं परमित जी के पास गया काम मांगने के लिए, कहते झाड़ू कटका पोछा सब कर लेते हो। मैंने कहा हाँ सर 5,000 रुपए लूंगा, फिर बोलने लगे अच्छा इसका मतलब मुझे अर्चना से हर महीने 5,000 लेना चाहिए। वैसे आपको पता है बहुत बड़ी शूटिंग चल रही है यहाँ पे, बहुत मजा, अरे इतने बड़े बड़े एक्टर आने वाले, मजा आएगा उनके चाय देने में। इधर इधर एक मिनट,
अरे कब से मैडम हटी हटी हटती क्यों नहीं आप यहाँ से हटिए मैं हीरोइन हूँ अरे ये हीरोइन है अरे मैडम आप पागल हैं हटिए हटिए क्यों बोल रही हैं घटिए घटिए बोलिए E-M, ये क्या है? Excuse me. Actually, मैडम को शॉर्ट फॉर्म में बात करने की आदत है. चल BC. नहीं नहीं नहीं. Black coffee, relax guys, black coffee. आपको पता है, मैडम इस फिल्म की हीरोइन है. हीरोइन, मैडम मैडम एक सेल्फी मैडम एक सेल्फी प्लीज मैडम. Distance distance. हाँ मैडम. ये सोशल मीडिया पे डालोगे? नहीं मैडम ये मैं सबको दिखाऊंगा अगर मेरी बात नहीं मानी ऐसी बद्दुआ दूंगा ऐसे दिखोगे फालतू बात मत कर तुझे पता नहीं मैं कितनी अच्छी एक्टिंग करती हूँ अरे मुझे क्या बता रही हो इन सबको पता है पिछले 10 एपिसोड से तुम कॉमेडियन होने की एक्टिंग कर रहे हो ये बेइज्जती की ओ नहीं 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 आप 15 एपिसोड से गंदी एक्टिंग करिए इसने 10 बोल के कम किया है फिर ठीक है मैडम मैडम वैसे कौन सी पिक्चर की शूटिंग चल रही है DDLJ हाँ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं दीदी के दामन में लग गए ज्वाले ये पता नहीं कौन सी पिक्चर है यार एक पिक्चर मैंने की थी बहुत बढ़िया पिक्चर थी आप यकीन नहीं मानेंगे पति दुबई के रेत में देवर भाभी खेत में सुपर हिट जोड़ी थी पिक्चर का पता नहीं चला JS ये क्या बोल रही हैं? शराब मैडम आपको पता है मुझे आपकी स्टाइल बहुत अच्छी लगी लेकिन HA HA थोड़ा कम है सॉरी लाफ्टर बहुत कम है सर जूता मारो खींच के अभी बताइए ना कि आपकी दांत कैसे बाहर निकले मैडम पता है मैं गैलेक्सी गया था सुहेल खान जी से मिलने के लिए शेरन ऐसा खींच के मुक्का मारा दांत बाहर आ गया मेरा अभी काम कर 2 कप कॉफी लेके आ जल्दी नहीं मैडम 2 कप चाय आपको नहीं मिलेगी वो बलराज सर के लिए है एक मिनट 2 कप क्यों अरे इतनी बड़ी नाक 2 कप लगती है उनको एक मिनट हाँ क्या एक मिनट अर्चना जी बुला रही मुझे शायद चाय बना चुकी है एक मिनट में आ गई एक मिनट अर्चना जी बुला रही मुझे शायद चाय बना चुकी है एक मिनट में आ गई गॉड मैडम जी ये हीरो तो अभी तक आया नहीं आप एक काम कीजिए आप डायलॉग याद कर लीजिए ओके ऑलराइट बाय द वे जस्ट डोंट टेल एनीवन लेकिन सलमान ने शादी के लिए हाँ कर दिया है मुझे क्या बात कर रही हो उसने कहा तेरी जैसी शक्ल है ना अगर कभी भी तेरी शादी हुई ना तो मैं जरूर आऊंगा आई डोंट नो अगर पे इतना फोकस क्यों किया उसने अब मगर के बच्चे के जैसा मुंह होगा तो लोगों का अगर ही निकलेगा ना You know what? कितनी अच्छी कॉमेडी करता हूँ मैं जज क्यों बनाऊँ यार मुझे तो कॉमेडी होना चाहिए था सो लेकिन आप कितने बड़े स्टार हैं फिर हम आपको फिल्म और टीवी में क्यों नहीं देखते You know what? क्या होता है कि मैं सिर्फ 2 जगह आता हूँ एक कॉमेडी सर्कस और दूसरा रिपीट में अरे वाओ आपके पास सलमान भाई जैसी ब्रेसलेट भी है You know what? देखा तुम भी धोखा खा गई अरे ये टैटू है मेरे ब्रेसलेट बहुत महंगा आता है मेरे पास ओह हाय अर्ची कैसे मेरे पास You know what? आज सुबह अर्ची मुझसे बोलती है सोहेल तुमको पता है मेरे वैरायटी में ना छुप छुप के कोई आता है और खाली लव लेटर लिख के चला जाता है मैंने कहा मेरे भाई ध्यान से देखो टिश्यू पेपर है अच्छा आप आर्ची को छोड़िए आप फिल्म की शूटिंग पे ध्यान दीजिए ओके बताओ हीरोइन कौन है मेरे अपोजिट मेरे बाय यू नो व्हाट भाग यहां से भाग पागल हो गए हो यू नो व्हाट शुरुआत मैंने अनीता से की थी मेरे बाय हशर देखो मेरा क्या हो मेरे बाय यू नो व्हाट मैं ये फिल्म नहीं करूंगा मेरे बाय नहीं करूंगा दो आपको ये फिल्म करनी पड़ेगी आपने अग्रीमेंट साइन किया है अपना काम कर भाग यहां से सो
इसके आपको पूरे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1 करोड़? You know what? पैसों का लालच मुझे देने मेरे पास। You know what? मेरे खानदान में सब पैसे वाले हैं भाई, मेरे पास नहीं, मैं राजू। सीन बताओ मेरे भाई, सीन बताओ। There you go. ये तो मेरा सीन है, इसमें डायलॉग क्यों है? अच्छा सर लाइए, मैं पढ़ती हूँ। इसमें लिखा है हीरो आता है ऐसे चलते हुए और कहता है, हीरो व्हाट? मेरे भाई, मेरे भाई। यू नो व्हाट, बकरी की बच्ची सुन मेरी बात। हेलो इट्स सीके। ये क्या बात है मेरे भाई? हीरो चेंज करो। नहीं नहीं, ये क्या बोल रही है आप? सब भड़क गए तो? अरे नहीं मेरे भाई, मैं नहीं भड़कूंगा मेरे भाई, आपको पता मैं कभी नहीं भड़कता। आई रिस्पेक्ट अ वुमन। साली क्या बोली तू मेरे भाई? यू नो व्हाट, जस्ट चल चल। सो ये आप क्या कर रहे हैं? यू नो व्हाट, लिसन लिसन, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट, ओके? एक काम, खाना खुला क्या मेरे भाई? खाना? अरे आप इतने बड़े स्टार हो, आप खाने की बात कर रहे हैं? यू नो व्हाट सर, आप क्या होता है कि कभी जब आप एंटर करते हो ना तो बहुत दूर होते हो, आज पास में हो, एक किस हो जाए। बोलो खाना खुला कि नहीं खाना खुला, बताओ। आर्ची के साथ रह के BHG ये क्या बात है? हो गया। मेरे भाई क्यों, मेरे भाई क्या हुआ? मेरे भाई क्या है? एक बहुत गलत है मेरे भाई, हर बार मैं पकड़ी जाती हूँ, बहुत गलत बात है। इतना काम करवाते हैं मुझे, पता जब सुहेल नहीं आता तो वहां बैठा के मुझसे कमेंट लेते हैं। कल तो बात हो गई, सुरेंद्र नहीं आया था तो फिर तुम सुरेंद्र बन गए थे? तबला बनाया था मुझे। ब्लोइंग, अब मैं जा रही हूँ। 20 रुपए मट, 20 रुपए, 20 रुपए। आदमी लोग का 20 रुपए और पीठ पे बाइक का 40 रुपए। मेरे पास अभिलाष एंड सना, यू आर माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। लेकिन आप जब पहले गेटअप में आए ना, मैं ये सोच रहा था कि मैं ये कमेंट दूंगा कि आप वो चीप चाइनीज डब वर्जन के हीरो लग रहे हो। फिर आप आए मैं बन के, ऐसे यार मैं क्या बोलने वाला अब था, कैसे बोलूं कि हम चीप डब हीरो? मैं क्या बोलूं अब? लेकिन यू आर आउटस्टैंडिंग माय फ्रेंड। थैंक यू सर, आउटस्टैंडिंग। मैं इससे ज्यादा बोल नहीं सकता, यू आर जस्ट फैबुलस। थैंक यू, thank you, thank you, thank you, thank you. Here I felt that three of you, all three were in tandem, but Gaurav, you did such a wonderful job. Thank you. And as Sohel, I love this Sohel, but I think today I love that Sohel more. Thank you. Lovely, very enjoyable mad act. Thank Super. You, thank you, thank you sir, thank you. अरे तुम्हें पता है अनीता लॉन्च होने वाली है? उसे लॉन्च नहीं रीलॉन्च होना कहते हैं। लॉन्च तो वो अंग्रेजों के जमाने में हुई थी, उसकी फिल्म देख के गोरो ने बोला था भारत छोड़ो। और पता है ये फिल्म परितोष बना रहा है, मतलब फिल्म में स्क्रीन प्ले होना हो वर्ड प्ले जरूर होगा। सो प्लीज वेलकम PAO परितोष अनीता एंड ओजस्वी। मैं टीवी सीरियल की हीरोइन नहीं बनी हूँ, वो पहली बार स्टैंड अप कर रही हूँ ना। सोहेल सर आपने कहा था कि लड़कियों को स्टैंड अप करना चाहिए। वैसे आप ज्यादा तारीफ तो सना और करिश्मा की करते हैं, लेकिन मैं ही आपकी ज्यादा बात मानती हूँ। खैर मेरा पहला स्टैंड अप है तो बलराज प्लीज प्लीज मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा स्टैंड अप तुम्हारे स्टैंड अप की तरह बकवास नहीं हो, अच्छा हो। एंड गौरव तुम्हारा और मेरा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तेरे से ज्यादा पैसे ना मेरे ड्राइवर लेता है।
मैं एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हेमा प्रदा की बेटी हूँ. मेरी मॉम ने ना अपनी पहली फिल्म में झरने के नीचे नहाया था, तो तब से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं भी ना अपनी लॉन्च फिल्म में झरने के नीचे नहाने का सीन करूंगी. अब अगर नहाने का सीन लिखवाना है तो कोई कुत्ते टाइप का राइटर चाहिए होगा ना. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सब दाल भात है. जोरदार तालियां बजाओ अनीता के लिए. इसको कहते हैं टैलेंट. आज सना और करिश्मा को पता चलेगा हुनर दिखा के शो में रहा जा सकता है. अबे ओ माँ बाप के झगड़े की वजह तू है कौन? अगर माँ बाप के मोहब्बत की वजह ऐसी होती है तो अच्छा है, हम झगड़े की वजह हैं. हम जो हैं खानदानी राइटर हैं. हिंदुस्तान की पहली पिक्चर हरिश्चंद्र पता है? आहा? उसके डायलॉग हमारे दादा ने लिखे थे. अरे पर वो तो साइलेंट फिल्म थी. वही डायलॉग देख के डिसाइड हुआ कि साला साइलेंट ही रख दो. हमारे खानदान में सब लोग राइटर हैं. हो गए तुम्हारे खानदान की बात, अब मेरे खानदान की बात करते हैं. सुनाओ. मेरी मॉम एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और मुझे लॉन्च करने जा रही है. क्या बात है, क्या बात है, सब दाल भात है. मतलब एक और स्टार की डा रहा है. हो गया, अब मेरे लिए कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिखो जो हॉट हो. अरे हॉट का तो सवाल ही नहीं है. इतनी हॉट स्क्रिप्ट है, इतनी हॉट स्क्रिप्ट है, लिखते लिखते तीन बार हमारा खट्टा खाने का मन कर गया था. तो फिर सुनाओ ना, सुनाओ स्क्रिप्ट. फिल्म ओपन होता है, हीरो का घर दिखाते हैं. हीरो के घर में आग लगी हुई है, सब कुछ स्वाहा हो जाता है. हीरो बाहर निकलता है, ताला मार के चल देता है. लेकिन अगर सब कुछ जल जाता है तो ताला क्यों लगाता है, पागल है क्या? अब तेरे अपोजिट हीरो आ रहा है, कोई पागल ही होगा ना. सॉरी सुहेल भाई. सुनो, मुझे ऐसे कोई नल्ले एक्टर के साथ काम नहीं करना. अगर यही शर्त सामने वाले ने रख दी तो. सॉरी सुहेल भाई. ठीक है, देखो ऐसी स्क्रिप्ट लिखो जिसमें एक नहाने का सीन. नहाने का सीन तो हो ही नहीं सकता है. क्यों? हमारी पिक्चर राजस्थान में बेस्ड है. सो बोरिंग. बोरिंग नहीं, चार रेत का सीन है. पुलिस वाले भाग रहे हैं, हीरो उनके पीछे पीछे जा रहा है. अरे पर यूजुअली फिल्म में पुलिस वाला हीरो के पीछे भागता है ना. अभी चार लाइन पहले बताया हीरो पागल है. अजीब सन की सोल्जर हो तुम. सुनो, बंद हुई एयरलाइंस की भागी हुई एयर होस्टेस. हाँ, करियर में नहीं, कम से कम एक्ट में फोकस किया करो. शट अप, तुम स्क्रिप्ट पे फोकस करो, कुछ भी बदलो, चेंज करो, एक नहाने का सीन तो कंपलसरी चाहिए. एक मिनट, मेरे जिगर छल्ले, मेरी बात सुन लो. सच्चा राइटर हूँ, अपनी कहानी के साथ छेड़छाड़ होने नहीं दूंगा. स्क्रिप्ट है या गांव की लड़की, छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा. मेरी मम्मी ने वैसी स्क्रिप्ट की है, वैसा सीन किया है, तो मुझे नहाने का सीन चाहिए, मतलब चाहिए. तेरी माँ को बुला के कहानी लिखवा ले. कैसा था मेरा डांस? अरे जे डांस है, हमको तो लगा दौरा पड़ा है. मम्मा, दौरा हमारी एक्स गर्लफ्रेंड को पड़ता था, और जब पड़ता था तो मोहल्ले के लंडे को चूमने लगती थी. ये कैसा दौरा हुआ? छिछोरेपन का दौरा था. बेबी, ये ऊत पलाव जैसी आंखों वाला कौन है? ए, बहुत बड़ा राइटर हूँ, कलम कुमार शुक्ला. अच्छा अच्छा. हमने बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, हमने एक सस्पेंस फिल्म की है लेकिन रिलीज नहीं किया. क्यों? ऑडियंस सस्पेंस जान जाती ना. हाँ हाँ, हमने एक और पिक्चर की है जो रिलीज हुई है दो पार्ट में. पहले का नाम था मेरी आवाज सुनो. और दूसरी? चल नहीं सुनता. बेबी, तुमको मैंने कहा था ना किसी खानदानी राइटर से लिखवाओ. अरे हमसे बड़ा खानदानी कोई नहीं है. हम बच्चन साहब के खानदान से ताल्लुक रखते हैं. बच्चन साहब के खानदान से? बचपन में हम एक्टिंग करते थे, हमारा बाप कहता था ओ अमिताभ बच्चन की औलाद. उसके बाद हम सहनशाह पिक्चर देखने चले गए, उसमें बच्चन साहब ने खुद बोला रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं. हम मान गए. बेबी, ये कैसा राइटर है? कैसा राइटर क्या, कुत्ता राइटर हूँ, छू करो लिखने लगता हूँ. लिसन मम्मी, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं नहाने जा रही हूँ. खबरदार, अब तुम घर में नहीं नहा सकती क्योंकि तुम हीरोइन बन गई हो, और हीरोइन जब भी नहाती है पर्दे पे ही नहाती है. ए, देखो, करियर से बड़ा जूड़ा लेके घूमने वाली औरत. सुनो, इसके नहलाने के पीछे इतना क्यों पड़ी हो? क्योंकि जब हीरोइन पर्दे पर नहाती है तो प्रोड्यूसर पे पैसों की बारिश होने लगती है. अरे पैसों पे बारिश हो या ओला पड़े या पत्थर गिर जाए, हमको कोई मतलब नहीं है, हमारी कहानी में नहाने का सीक्वेंस नहीं है. अरे रखना पड़ेगा, ऐसी कोई स्क्रिप्ट है तो बताओ, मुझे नहाना है, मतलब नहाना है. हाँ, नहाना है तो नहाना है. बिना हाँ. नहाए नहीं मानोगे क्या? नहीं. सुनो, दरवाजा खुलता है, तुम नहा रही हो. दरवाजा खुलता है? अरे थिएटर का दरवाजा खुलता है.
और तुम पर्दे पे नहा रही हो, बाथरूम में नहा रही हो, खूब नहा रही हो, नहा के घर से बाहर निकलती हो तुम बहने लगती हो, क्योंकि घर में बाढ़ आई हुई है। नहाते नहाते तुम समंदर में चली जाती हो, समंदर में नहा के नमकीन हो जाती हो। जैसे नहा के बाहर निकलती हो, कोई गुब्बारा मुंह पे पच्च से फेंकता है, मतलब होली का त्योहार आ चुका है। होली का रंग छुड़ाने के लिए तुम घर आती हो, बहने लगती हो। क्यों? अभी तो बताया घर में बाढ़ आई हुई है। बहती हो, बहती हो, बहती हो, बहती हो, बहते बहते तुम शर्म से पानी पानी हो रही हो। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारा ससुर भी बहरा है। ससुर भी बहरा है? हाँ, तुम्हारा चिल्लाना नहीं सुनता है। सोहेल खान का ट्वीट आता है। ट्वीट आता है क्या? अरे देश में इतनी बड़ी बाढ़ आई है, बड़े बड़े लोग ट्वीट करते हैं। सुनो, तुम वो ट्वीट पढ़ती हो लेकिन ट्वीट पढ़ नहीं पाती हो, क्योंकि तुम्हारा फोन गीला हो चुका है। गीला गीला ऐसे ऐसे मैसेज पढ़ रही हो तुम। मैसेज पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। तुम मोबाइल उठाती हो, खोपड़े पे मार लेती हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। और तुम कहती हो गंगा जी यमुना जी और सरस्वती जी का संगम लवा जी के तट पे होता है, या शर्मिता बच्चन जी का जुर्म दीवार से सीट फिल्म दिया। पानी पिलाओ। पानी नहीं है। पानी नहीं है? क्यों पानी नहीं है? मुझे नहाना है। अरे साले तुम नहाओ या बाहर में जाओ, हमको नहीं करना है। चलो छोड़ो, जाने दो, हमको करना ही नहीं है। ऐसी यू नो, आज अप्रिसिएशन ऑफ कॉमेडी में नहीं, लेकिन आउट ऑफ शेयर रिस्पेक्ट फॉर योर सुपर परफॉर्मेंस एंड टैलेंट, आज मैंने स्टैंडिंग ओवेशन। थैंक यू मैम। थ्री ऑफ यू वेल रिहर्स्ड, वेल प्रिपेयर्ड, वेल परफॉर्म्ड, वेल रिटन एंड सच अ वंडरफुल एक्ट। थैंक यू मैम। सबका कॉमेडी सर्कस में जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, that is so equal. So it doesn't matter कि अगर किसी के पास 100% है या किसी के पास 40% है, वो जो 40% है, that's as important as the 100%. And people like you keep on proving it. You're just absolutely fabulous. इंडिया आप ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपसे फिर मुलाकात होगी only on Comedy Circus.